सुना ये क्या कह रही है? हमारे घर में कल आई हुई ये लड़की ये भी जानती है कि सब साथ में रहने में ही खुशी है। ठीक है, अगर तुम्हें भी इन लोगों की तरह मेरी कोई कदर है, तुम मेरे साथ मत आना। ये क्या कह रहा है तू? हमें तेरी कोई कदर नहीं है? उसे मत रोकना अंजलि। अगर ये यहां से जाना चाहता है तो बेशक जाए, इसके लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। तेरा ये बेटा अगर ये घर तोड़ना चाहता है तो तोड़ के चला जाए। कुछ साल पहले सुरेश भी ऐसे ही चला गया था इस घर से। उस वक्त जो घाव लगा था ना दिल पे, वो अभी तक नहीं भरा। मुझे लगता है कि शायद इस घर को शाप है। इस घर का छोटा बेटा हमेशा ये घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन इतना याद रख, यहां से निकलने के बाद इस घर से हमसे तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तो रावी की खुशी के बारे में सोच रहा था, लेकिन सबकी नजर में मैं विलन बन गया। हमेशा मैंने परिवार की खुशियों के बारे में पहले सोचा और अपने बारे में बाद में। कैसे भूल सकते हैं लोग कि वो मैं ही था जिसने पहली बार सोचा था कि पूरी फैमिली चौल से शिफ्ट हो जाए। बैठना। क्या हुआ? देखो, इतनी अच्छी सोसाइटी यहाँ पे, बहुत सारी घूमने के लिए जगह है, बच्चों के खेलने की जगह है, और यहाँ पे देखो पार्क भी है, और यहाँ पे 24 घंटे पानी आता है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है एक फोन करने पे, दवाई, सब्जी, किराना माल, सब कुछ। सामने सुपरमार्केट भी है, बस एक फोन घुमाओ और बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन विषय क्या है कि हमें अब ना इस जिंदगी की आदत पड़ गई। अभी इतने सालों का रहन सहन ये अब नहीं छूटेगा। हम जहाँ हैं जैसे हैं खुश हैं। अब अगर ऐसे ही सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे?